अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन, योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इम्यूनिटी डेंटिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास हेल्थ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, ठीक है। इसकी मार्किंग मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी कौन से टॉपिक्स जो इसमें वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किस तरह सपोर्ट है इसमें, क्वेश्चन एमसीक्यूज जो आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास आ जाता है हेल्थ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें जो ये शुरू वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बेशक आप सारे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये चाइनीज़ मेडिसिन वगैरह है, ये सारा कुछ आपने छोड़ देना है। यहाँ से आपका मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है हेल्थ से, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्थ की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसमें जो हेल्थ की डेफिनेशन है हमारे पास, ये WHO की जो डेफिनेशन है ये आपको बतानी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है WHO की अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बताएं हेल्थ की, ठीक है, तो उसमें आपने ये वाली डेफिनेशन जो है वो बतानी होती है, ठीक है। और ये आपके MCQ में भी आता है, SEQ में तो लास्ट में ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंसेप्ट्स ऑफ द हेल्थ, ठीक है। इसमें बायोमेडिकल कंसेप्ट आ जाते हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल, ये सारे कंसेप्ट जो है ये मोस्टली आपको MCQs में आते हैं, ठीक है। इनके बायोमेडिकल जो कंसेप्ट है, एब्सेंस ऑफ द डिजीज़, इकोलॉजिकल में हाइपोथेसिस वगैरह आ जाती है, साइकोलॉजिकल आ जाते हैं, ठीक है, और होलिस्टिक कंसेप्ट, ठीक है। ये सारे जो कंसेप्ट हैं इसमें सिर्फ आप इसकी मेन मेन जो डेफिनेशन पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ आपने देखने सारा रटा लगाने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक दफ़ा आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ द हेल्थ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो है आपको SEQ में भी आ सकती हैं और MCQ में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मोस्टली आपसे डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो है उसके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी कभी आपको वैसे भी पूछे जा सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो है उसकी आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें, ठीक है। जिसमें जो हमारे पास डायमेंशन आ जाती हैं, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको जो डेफिनेशन बतानी चाहिए, फिजिकल डायमेंशन जो है ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट फंक्शनिंग की न्यूट्रिशन आपके बॉडी आ जाती है, ठीक है, या कुछ चीज़ बतानी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपने इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद मेंटल जो है नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ द मेंटल इलनेस, इनके मेंटल हेल्थ जो है इसके आपको डेफिनेशन जो है वो बतानी चाहिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ, मेंटल डायमेंशन जो है आपको उसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोशल डायमेंशन, में भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट के, इसकी जो डेफिनेशन है आपको बतानी चाहिए। उसके बाद स्पिरिचुअल डायमेंशन ये आ जाती है, इसको भी अपने स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है, ये अपने पॉइंट्स में याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपसे MCQ पूछा जाता है कि फोर्थ डायमेंशन कौन सी है, ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस डायमेंशन याद करनी है, ठीक है। इनके पहले नंबर फिजिकल डायमेंशन, सेकंड पे मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। ये MCQ में आ जाती है कि स्पिरिचुअल जो आपकी फोर्थ डायमेंशन है वो कौन सी है, तो वो स्पिरिचुअल डायमेंशन होती है, ठीक है। ये एक आपसे ऐसी MCQ पूछा जाता है, उसके बाद आपको SEQ जो WHO की डेफिनेशन ये मोस्टली पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अदर्स डायमेंशन, ठीक है, या जब आपको SEQ में पूछा जाता है कि डायमेंशन कौन कौन से, तो वो शुरू वाले आपने नाम लिख किया, तो उसके बाद अदर्स में से कोई 5-6 जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है। 3-4 बस नाम है, ये नाम ही आपने याद करना है, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ में आपको डेफिनेशन जो है ये बस आनी चाहिए, ठीक है। इसके आपने डेफिनेशन जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिकेटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको MCQ में भी आएंगे और SEQ में भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। वैलिड की डेफिनेशन, रिलेबल, ठीक है, सेंसिटिविटी, यानी कि ये सेंसिटिविटी की ये वाली लाइन लिखी होगी और वो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा यानी कि इंडिकेटर है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, फिजिबल है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो हमारे पास वैलिडिटी होती है उसमें हम लोग मेजर करते हैं व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर, ठीक है। रिलायबल यानी कि आंसर जो है वो सेम होता है, ठीक है, थोड़ा पॉइंट याद करें। एंड सेंसिटिव जो है उसमें कहते हैं कि चेंजेस इन द सिचुएशन कंसर्न होती हैं, स्पेसिफिक है उसमें क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट चेंजेस ओनली इन द सिचुएशन कंसर्न। उसके बाद फिजिबल, इनके शुड हैव द एबिलिटी टू ऑब्टेन द डेटा नीडेड, ठीक है। तो ये आपसे पूछी जाती है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसका रेलिवेंट आ जाता है, इसको भी आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, ये सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 4-5 के सब आपने नाम जो है याद कर लेना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है उसमें ये दोनों MCQs में आई थी, इनकी इनकी डेफिनेशन पूछी हुई थी और पूछा हुआ था कौन कौन से, तो ये दोनों आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, SEQ पॉइंट ऑफ व्यू भी और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और बाकी के नाम बस आपने याद कर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से आपने सिर्फ शुरू वाले 2-3 पॉइंट चाहिए, यानी कि जो डेथ रेट होगा वो मोर्टेलिटी में हो जाएगा, मॉर्बिडिटी होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास यूज टू फॉर असेसिंग इल हेल्थ इन द कम्युनिटी, ठीक है, ये पॉइंट आपको बस बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके 2-3 नाम आपने याद रख लेने पॉइंट्स इसके, कि इसमें इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस आ जाता है, नोटिफिकेशन, ये इंसिडेंस और प्रीविलेंस वगैरह जो है ये आपको आगे इनकी डेफिनेशन और डिटेल वगैरह है, ठीक है, इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए आपने इसको याद नहीं करना, ठीक है। बस इसके पॉइंट्स जो है वो आपने याद कर लेने, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी रेट क्या होता है, डिसेबिलिटी रेट फॉल इनटू 2 ग्रुप्स में फॉल करता है, इवन टाइप इंडिकेटर्स एंड पर्सन टाइप इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशनल स्टेटस आ जाता है, इसमें आपने भी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये बस आपने याद कर लेने हैं। हेल्थ केयर ये ऐसे को पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है वो इनकी दोनों की मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड मॉर्बिलिटी इंडिकेटर, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और बाकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, ठीक है, ये चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा डिटेल सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करें MCQ के लिए, क्योंकि जो कॉलेज के टेस्ट होते हैं ना, एज कम्पेयर टू देखे जाए
तो वो टीचर्स कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है वो चैप्टर की दे दी जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने पहले प्रिपेयर करना है, अपना रूल बनाएं, ठीक है। जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसके बाद एक घंटा डेढ़ घंटा निकाल के जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी रहती हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करें, ताकि आपका कोई भी रिस्क ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बाकी इंडिकेटर्स हैं इनको भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडिकेटर्स हैं अदर इंडिकेटर्स इनके भी नाम आपने देख लेने, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको इसी तरह से कम्युनिटी में जो है ये चीज़ है कि आपको जो डेफिनेशंस है ना वो बुक वाली ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बुक वाली, ठीक है, अगर आपकी बुक वाली डेफिनेशंस जो हैं वो लिखी हुई आपने तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पे ये जो जर्म थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का एमसीक्यू आता होता है ये वाला, पूछा जाता है कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ द डिजीज जो कौन कौन से हैं, तो उसमें एजेंट, हॉस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, ही तीन पॉइंट्स आपने टिक करने हैं, ठीक है। आपको हमसे क्यों जरूर आएगा पेपर में, ठीक है, या कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। और जर्म थ्योरी में ये जो लाइन लिखी हुई है इस तरह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले डिजीज एजेंट, फिर मैन एंड फिर डिजीज, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एमसीक्यू है वो जरूर आता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एजेंट फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं एंड देन हमारे पास मैकेनिकल एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सोशल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि एजेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास एजेंट फैक्टर, हॉस्ट फैक्टर्स वगैरह हैं ये आपको हर चैप्टर के आगे से अलग से होंगे। जैसे हमारे पास आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो तो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एजेंट फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये अपने तरीके से याद करने हैं। हॉस्ट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सारा आपने नहीं याद करना, ठीक है। मतलब जो जो पॉइंट्स आपको याद रखते हैं वो आप जरूर करें, लेकिन इनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन ये सारे आपको बताने चाहिए, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, सोशल एजेंसीज हैं ये आपको बताने चाहिए। हॉस्ट फैक्टर्स जो हॉस्ट फैक्टर्स में हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल में हमारे पास फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिसके फिजिकल में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, एयर, वाटर वगैरह। बायोलॉजिकल में हमारे पास जो है वो मैन वगैरह आ जाते हैं, और साइको सोशल जो है उसमें हमारे पास एनवायरमेंट वगैरह आ जाते हैं, इकोनॉमिक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ईजी है, ठीक है। उसमें मल्टी फैक्टोरियल क्वेश्चन, ठीक है, मल्टी फैक्टोरियल क्वेश्चन जो है इसमें अपने मॉडर्न डिजीज जो है इसको एक दफ़ा देख लेना है, बाकी सारा बेशक ना भी करें तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें से जो हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री वगैरह आ जाती है सारा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ये वाली चीज़ आ जाती है ना स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज जो है इसके आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपका वेरिएशन मैनिफेस्टेशन करने के लिए डिजीज की, ठीक है। उसके बाद जैसे एपिलेप्सी वगैरह आ जाती है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है, उसमें हमारे आइसोलेशन ऑफ द डिजीज आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ द डिजीज या एसीक्यू है आपका, ठीक है, एमसीक्यू इसमें से आते हैं, एसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज का जो कंसेप्ट है वो हम लोग जो है इसका कंसेप्ट हम लेते हैं उससे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास आ जाता है कि डिजीज इन द कम्युनिटी जो है उसको कंपेयर किया जाता है विद आइसब्रिज, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है वास्ट सबमर्ज्ड पोर्शन हमारे पास होता है किसका, इसका एक हमारे पास उसका वाटर लाइन और टिप, ठीक है, जो हमारे पास टिप है वो ये है। उसके बाद वास्ट सबमर्ज्ड पोर्शन जो उसमें हमारे पास दिया जाता है, ठीक है, और टिप हमारे पास जो वाटर लाइन है वो हमारे पास दिया जाता है। उसके बाद ये आपने बनाना भी है, ठीक है, और इसको यहाँ से आपने याद भी करना है। इसमें से कोई भी लाइन, कोई भी लफ्ज़ आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, ये आपने सारे का सारा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है डिजीज कंट्रोल, इसके बाद मतलब ये टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो डिजीज कंट्रोल, डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन, ठीक है। इसके अपने डेफिनेशन से याद कर लेंगे, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। डिजीज एलिमिनेशन जो है इसमें इंटरप्शन होती है, ठीक है, ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज और डिजीज इरेडिकेशन एंड के टीयर ऑफ बैलर रूट्स, ठीक है। उसको देखिए कि एग्जाम्पल्स की याद कर लें। और डिजीज कंट्रोल जो है इसमें हम इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, इफेक्टिव इन्फेक्शन वगैरह जो उनको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके कंसेप्ट को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज। जो स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जिसके तीन पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये हमारे पास इट इज एन इनिशियल एग्जामिनेशन, ये एमसीक्यू के लिए आपने ये लाइन है एमसीक्यू के लिए सिर्फ पढ़ लेनी है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इसके क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए कि सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ होती है फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सनस को, ठीक है, ठीक है, जिनमें डिजीज़ है या होने का जो चांसेस हैं वो है, ठीक है। तो ये आपने एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ द स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग की डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और ये जो बाकी हमारे पास डिजीज़ के रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसके सिर्फ आप नाम भी याद कर लें तो वो भी नफ़ा है। एक्सेप्टेबिलिटी में एक दो पॉइंट, ठीक है, रिपीटेबिलिटी में एक दो पॉइंट और वैलिडिटी में एक दो पॉइंट जो है उसको बस याद कर लें, बाकी इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला टेबल जो है वो आपने एक दफ़ा देख लेना, ठीक है, ये हमारे आपके पास आ जाता है, क्योंकि इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड टोटल ए और ए प्लस बी आप देखेंगे तो इसको आपका आइडिया हो चुका है, ठीक है। बस टेबल याद कर लें और उसके बाद इसके जो नाम है पॉइंट्स हैं इनको देख लें सारा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछले साल पेपर में जो है स्क्रीनिंग की डेफिनेशन और क्राइटेरिया जो है वो आ चुका है, तो
इस दफ़ा आपको टेस्ट वगैरह में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास बाकी इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिसिटी, इसका पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना चाहिए। जो स्पेसिफिसिटी है उसमें क्या होता है कि यानी कि जो हम लोग टेस्ट को डायग्नोज करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो सेंसिटिविटी है यानी कि उसमें जो हमारे पास टेस्ट होगा, जो हमारे पास टेस्ट है उसके टू बी आइडेंटिफाई करेक्टली हैव टू हैव द डिजीज़, ठीक है। इनके इसमें जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, और जो स्पेसिफिसिटी है सॉरी उसमें टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ट्रू नेगेटिव है और ये ट्रू पॉजिटिव है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए इसमें। उसके बाद बाकी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रिडिक्शंस वगैरह आपको बताई हुई है, इनको बेशक की दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। बाकी इतना है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो यूजेज ऑफ द स्क्रीनिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपने याद करने हैं, और बीच में से एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये सारे का सारा आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। या आप इन्फेक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपका पैथोलॉजी से भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसमें जो आपकी जनरल बैक्टीरियोलॉजी है उसमें भी ये वाला टॉपिक है, वहाँ से भी तकरीबन आपका जो वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने लेकिन यहाँ से भी एक दफ़ा आपने इसको गो थ्रू शुरू करना है, ठीक है। तो इसके मोस्टली जो पूछा जाता है वो इन्फेक्शन की डेफिनेशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, या कि उन्होंने डिटेल सारी बताई हुई है, या पर डिटेल के शब्द भी कर सकते हैं, ठीक है। बस अगर आपके पास पहले आपका सारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है। यानी कि वेक्टर बोन, एयर बोन वगैरह में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बस आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, ठीक है, या फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें जो हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये आपको चीज़ जो है इसका वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास हमारे पास आ जाता है लेटेंट पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड एंड लेटेंट पीरियड, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पूछा जाता है, और इन दोनों का एमसीक्यूज जो है वो भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जो स्टेज है इसको बस आप एक दफ़ा रीड आउट दे लेना, ठीक है। बाकी इतना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में हमारे पास ये डिफेंस आपको बताना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव कम्युनिटी एंड इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, और ये सारी डिफेंस याद कर लेना है। वैसे ये पूछे नहीं जाते, ठीक है, अभी तक मतलब पेपर में बस पीछे तक इन्फेक्शन पीछे तक पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। इसके आगे जो है वो पेपर्स में नहीं आया हुआ अभी तक, ठीक है। जिसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि सिर्फ इनको मेन देख लेना है। वैसे भी आप पैथो पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें मोस्टली कवर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास हमारे पास ये पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये डिफरेंस होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ये डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए इसका, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। इसमें इसको अपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन आई जी जी स्पेसिफिक आई जी, इसको बस आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो आपको मेन मैं दोबारा से एक दफ़ा लास्ट रिव्यू दे देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं एज एस सी क्यू, ठीक है। और एम सी क्यू भी आप उसी में से ही आएंगे, ठीक है। एम सी क्यू कहीं अलग से नहीं आएंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में से आपके एम सी क्यू जो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या करना है, फादर ऑफ द मेडिसिन का आपको बताना चाहिए, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपको जो है हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट को एक दफ़ा आपने देख लेना है, और डायमेंशन को आपने देख लेना है। फोर्थ डायमेंशन हमारे पास स्पिरिचुअल डायमेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, इंडिकेटर्स की करेक्टरिस्टिक्स, और इनकी टाइप्स के नाम, और मोटेबिलिटी एंड मोबिलिटी में डिफरेंस डिजीज़ में की डेफिनेशन, ठीक है, ये पैट डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास आ जाती हैं आगे, डिजीज़ कंट्रोल, डिजीज इरेडिकेशन एंड डिजीज एलिमिनेशन, ठीक है, ये आपके फाइव और एसक्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज भी आपके यहाँ से ही बनेंगे। टेम्पररी डिजीज़ कौन सी है, ये आपको वन टू वन है, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की है उनको आपने जरूर देखना है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, इसमें ये तीन पॉइंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, होस्ट एंड एजेंट। उसके बाद एजेंट्स कौन कौन से हैं, केमिकल एजेंट्स, ठीक है, और होस्ट फैक्टर, ठीक है, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद देन हमारे पास वेब ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर आपका टीचर इस तरह का है जो मतलब इस तरह के क्वेश्चन दे सके तो तब ये हो सकता है कि वेब क्वेश्चन जो है उसके बारे में पूछ ले, ठीक है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, इसके आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एज पर डिजीज़, तो आपको फिंगर टिप पर होना चाहिए, ठीक है, इसकी डायग्राम या आपके फिंगर टिप पर हो, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल, डिजीज एरेडिकेशन, डिजीज एलिमिनेशन, इनकी डेफिनेशन, स्क्रीनिंग की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ठीक है, क्राइटेरिया, डिफरेंस और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं, इनके इसकी ये जो वैलिडिटी, एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ द स्क्रीनिंग, ठीक है, इन्फेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, और ये जो रिजर्वायर्स और सोर्सेस हैं इनको बस एक दफ़ा वैसे ही देख लेना, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड में डिफरेंस पता होना चाहिए, और स्पेसिफिक डिफेंस कौन कौन से हैं, और इनके अगर से एक एक पॉइंट में डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।